सुरेश और कोमल की शादी को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। शादी के पहले कोमल ऑफिस जाया करती थी, अब वो सारा दिन घर में रहकर बोर होती रहती है। सुरेश, मुझे बहुत बोर होता है। तो माँ के साथ काम में हाथ बटा दिया करो। वो तो मैं करती ही हूँ, पर इसके बाद भी मेरे पास बहुत सा समय फ्री है। मैं और कुछ करना चाहती हूँ, जैसे कोई जॉब या कुछ और। तू तो मेरी माँ को जानती है ना कोमल, उसे बहू का काम करना बिल्कुल नहीं भाएगा। मैं जानती हूँ, पर अगर मैं कुछ घर में ही करूँ तो? इसके लिए भी माँ को मनाना पड़ेगा। प्लीज 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 मेरे लिए सासू माँ को मनाओ ना। अगले दिन मौका देख के सुरेश ने अपनी माँ से बात छेड़ी थी। वो माँ, कोमल सोच रही थी कि वो घर बैठे बैठे ही कुछ ना कुछ काम करे। तेरे होते हुए बहू को काम करने की जरूरत ही क्या है? पर माँ, उसका बड़ा मन है कि वो घर पे ही कोई बिजनेस करे। मैंने बहुत औरतों को देखा है, बिजनेस खोलती भी हैं और बंद भी कर देती हैं। तो बेफिजूल ऐसे झंझट में पड़ना ही क्यों? पर माँ, उसकी बात तो सुन लो। सासू माँ, मैं बस एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। अगर मैं फेल हुई तो मैं वापस कभी आपसे बिजनेस करने की परमिशन नहीं मांगूंगी। प्लीज सासू माँ। कोमल की सास ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ये आखिरी बार होगा बहू। जी सासू माँ। कोमल की सास ने उसे परमिशन दे दी बिजनेस करने की। ये सोचकर ही कोमल बहुत खुश थी। अगले दिन से कोमल ने घर पर ही साड़ियों की रिसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वो एक होलसेलर से फोन के जरिए अच्छे अच्छे डिजाइन की साड़ियां खरीदने लगी और फिर अपने फ्रेंड सर्कल में उन साड़ियों को बेचने लगी। शुरू शुरू में कोमल को ज्यादा ऑर्डर नहीं आ रहे थे, वो थोड़ी निराश थी। मेरा बिजनेस चल पाएगा ना? क्यों नहीं चलेगा, तुम इतनी मेहनत कर रही हो, जरूर चलेगा। बस जरूरत है सिर्फ कुछ नए आइडियाज की। मतलब? सिंपल है कोमल, तुम ही बताओ, आजकल तुम अपने लिए कहां से कपड़े खरीदती हो? ऑनलाइन। राइट, मतलब तुम्हें ये सब साड़ियां ऑनलाइन ही बेचनी चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। इससे तुम्हारा बिजनेस दिन रात बढ़ता रहेगा। हाँ, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? कोई नहीं, अब सोच लिया ना, अब तुम्हारा बिजनेस जरूर बढ़ेगा। उसी दिन से कोमल ने ऑनलाइन सेलिंग की रिसर्च करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द उसने अपने सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही फेमस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी डाल दिए। अब उसे ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर आने लगे। कोमल को जब भी समय मिलता वो कुरियर पैक करने में बिजी रहती। उस दिन कोमल की खुशियों का ठिकाना नहीं था जब कोमल के अकाउंट में उसके पहले महीने के सेल्स के पैसे आए। ये देखो सुरेश, 40,000। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आई कांट बिलीव माई सेल्फ। कोमल को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने उन पैसों से अपनी सास के लिए झुमके खरीदे। जब उसने वो झुमके अपने सासू माँ को दिए, ये क्या? मेरी पहली कमाई के पैसों से मैंने आपके लिए ये झुमके लिए हैं। ये सुनकर कांता भावुक हो गई। आज तक मैं बेफिजूल ही तुझ पे रोक टोक लगाती थी, तूने तो मुझे अपनी माँ की जगह दी है बहू। आज से तू मेरी बहू नहीं, बेटी है बेटी। इस दिन के बाद से कांता ने कोमल को कभी नहीं रोका। कोमल ने अपनी मेहनत से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की और आज कोमल को विमेन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिल रहा है। एंड द अवार्ड फॉर द यंगेस्ट विमेन एंटरप्रेन्योर गोज टू कोमल जडेजा। मैम, वुड यू लाइक टू से समथिंग? मैं अपनी सासू माँ को थैंक्स बोलना चाहूंगी। अगर वो मुझे बिजनेस करने की परमिशन नहीं देती तो आज ये अवार्ड मेरा ना होता। थैंक यू सासू माँ, और मैं अपने हस्बैंड को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी। कांता ने जब ये सुना तो उसके आंसू रुक ना पाए। आज कांता को अपनी बहू पर नाज था, पर अगर कांता उस दिन अपनी बात पर अड़ी रहती और अपनी बहू को कोशिश ही ना करने देती तो ये दिन आता ही नहीं। इसलिए दोस्तों, किसी भी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर सपोर्ट करें, ना जाने कब आप उनकी कामयाबी का हिस्सा बन जाएं। Thank you.
काव्या और करण का बहुत ही खुशहाल परिवार था। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। करण अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता, पर जब भी वो घर में होता तो उसका पूरा समय अपने परिवार के लिए ही होता। माँ, तुम मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाओगी ना? प्लीज माँ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। थैंक यू मम्मा। और पापा, आपने कहा था आप मेरे आर्ट्स प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे। हाँ हाँ, चलो अभी तुम्हारा प्रोजेक्ट फिनिश कर देते हैं। थैंक यू पापा। जब तक खुशी अपने पापा के साथ आर्ट्स प्रोजेक्ट कर रही थी, तब तक काव्या अपनी लाडली के लिए लड्डू बना रही थी। खुशी, तुम्हारे फेवरेट बेसन के लड्डू तैयार है। खुशी किचन की ओर दौड़ते हुए गई और बड़े चाव से बेसन के लड्डू खाने लगी। उसे खाता देख काव्या और करण बहुत खुश थे। काव्या और करण की दुनिया सिर्फ खुशी से ही शुरू होती थी और उसी पर खत्म, इसीलिए वो उसकी हर विश पूरी करते थे। आंखें बंद करो खुशी, ये लो तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हारी फेवरेट न्यू डॉल। ओह, आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। काव्या एक हाउसवाइफ थी, पर अक्सर घर का सामान खरीदने वो अपनी कार में मार्केट जाया करती थी। मम्मा मम्मा, आप मार्केट से आते वक्त मेरे लिए चॉकलेट लाओगी ना? हाँ जरूर गुड़िया, अब तुम जाकर पढ़ाई करो, मैं यूं गई और यूं आई। काव्या सामान खरीदने मार्केट चली तो गई, पर उसे कहाँ पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मार्केट के रास्ते में एक बड़े से ट्रक का ब्रेक फेल हो चुका था और वो ट्रक तेजी से चला जा रहा था। काव्या ने अपनी गाड़ी सिग्नल पर रोकी और तभी वो ट्रक सीधा काव्या की गाड़ी से टकराया और काव्या बुरी तरह घायल हो गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। करण खुशी को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर, डॉक्टर कैसी है मेरी पत्नी? देखिए उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, अब कुछ बोल नहीं सकते, उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। खुशी अपनी माँ को स्ट्रेचर पर लेटा देखकर रो रही थी। आई एम सॉरी मम्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चॉकलेट भी नहीं। करण अपनी बेटी को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि वहाँ काव्या की कंडीशन खराब होने लगी। उसकी सांसें फूलने लगी और कुछ ही देर में उसने अपना दम तोड़ दिया। करण और खुशी दोनों टूट से गए। उन दोनों को बड़ा सदमा लगा था। काव्या के मरने के कुछ दिनों बाद काव्या की माँ करण के पास आई। मुझे पता है ये सही समय नहीं है ये सब बात बोलने का बेटा। काव्या के जाने का गम मुझे भी है, पर बेटा मैं खुशी की नानी हूँ, मेरा उसके प्रति भी कोई दायित्व है। बोलिए माँ जी। बेटा करण, खुशी अभी बड़ी हो रही है, इस उम्र में उसे माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरी मानो तो खुशी के लिए दूसरी शादी कर लो। नौकर चाकर खुशी को माँ का प्यार नहीं दे सकते, माँ का प्यार बस माँ ही दे सकती है, या तो मासी। मासी, आपका मतलब पल्लवी से है? हाँ, पल्लवी जरूर मेरे देवर की लड़की है, पर बचपन से मैंने ही उसे पाला पोसा है, और काव्या और पल्लवी दोनों सगी बहनों की तरह थी, ये तो तुम भी जानते हो। पर माँ जी, वो मुझसे कितनी छोटी है। बेटा, उम्र में भले ही वो तुमसे छोटी है, पर खुशी के लिए उससे बेहतर माँ नहीं मिलेगी, सोच लो एक बार। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। करण भी खुशी के बारे में सोचने लगा और फिर उसे अपनी सासू माँ की बात सही लगने लगी। एक महीने बाद करण ने पल्लवी से शादी कर ली और पल्लवी करण के घर चली आई। पल्लवी ने आते ही खुशी को खुश करने का ठान लिया। ये देखो खुशी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, बेसन के लड्डू। अरे वाह। खुशी को खुश देखकर करण को लगा मानो उसका डिसीजन सही था कि पल्लवी से बेहतर सौतेली माँ खुशी को मिल ही नहीं सकती। कुछ दिनों तक सब अच्छा था, तो अब करण को भी खुशी की फिक्र नहीं थी, इसीलिए वो अपने काम के सिलसिले में वापस दूर दूर जाने लगा। जैसे ही करण घर से बाहर गया, पल्लवी ने खुशी के प्रति अपना रवैया ही बदल दिया। माँ, मुझे भूख लगी है। अभी खाने का समय नहीं हुआ, थोड़ा इंतजार कर, और मैं तेरी माँ नहीं मासी हूँ। आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, अब यहाँ से जा।
खुशी वहां से हॉल में चली गई और कार्टून देखने लगी। तभी पल्लवी वहां आई। खुशी रिमोट मुझे दे। अरे माँ थोड़ा रुको ना, लास्ट सीन चल रहा है। तू ऐसे रिमोट नहीं देगी? इतना बोलकर पल्लवी ने खुशी के कान मरोड़े और खुशी चिल्लाने लगी। अरे माँ आह आह माँ दर्द माँ दर्द हो रहा है माँ। आइंदा मेरी बात नहीं सुनी तो इससे भी ज्यादा दर्द दूंगी। इस दिन के बाद से तो पल्लवी ने खुशी पर हाथ भी उठा दिया। बेचारी खुशी अपने कमरे में रोते हुए बैठी थी कि अचानक उसके कंप्यूटर पर एक वीडियो कॉल आया उसके पापा का। खुशी ने हिचकिचाते हुए वीडियो कॉल उठा लिया। पल्लवी के गाल लाल देखकर करण ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें किसी ने मारा? नहीं पापा, वो मैं भागते भागते गिर गई। करण को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत एक जासूसी कंपनी में फोन लगाया और अपने घर पर निगरानी रखने का आदेश दिया। एक जासूस ने पल्लवी को खुशी पे हाथ उठाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और तुरंत करण को भेज दिया। वीडियो देखकर करण आग बबूला हो गया और वो तुरंत फ्लाइट पकड़कर वापस आ गया। और आते ही उसने पल्लवी को जोर से चाटा मारा। पर बात क्या है? बात? तुम तो बात करने की भी लायक नहीं हो। मेरी बेटी को मैंने फूल जैसे पाला और तुमने उस पे हाथ उठाया। निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से, निकल जाओ। मेरी बात तो सुनिए। गेट आउट। करण ने पल्लवी को घर से निकाल दिया। और जब काव्या की माँ को यह सब पता चला तो उनका सर शर्म से झुक गया। अब मैं अपनी बेटी को अकेले ही पालूंगा, मुझे इसके लिए किसी भी सौतेली माँ की जरूरत नहीं है। मैं और मेरी बेटी अकेले ही खुश है। काव्या की माँ ने अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। किसी ने सच ही कहा है, सौतेली माँ माँ नहीं होती।